भारत भूमि हमेशा से ऐसे महान चिंतकों, दार्शनिकों एवं विचारकों की साधना स्थली रही है, जिन्होंने अपने ज्ञान से समूचे विश्व को आलोकित किया है। ऐसे ही एक महान आचार्य हैं आदि शंकर, जिन्होंने अपने अलौकिक ज्ञान से न केवल भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति का संवर्धन किया, बल्कि भारत को एकीकृत करने का स्तुत्य प्रयास भी किया। केरल के कालडी में श्री शिव गुरु और देवी आर्यांबा के घर आचार्य शंकर का जन्म हुआ। पिता बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए। बालक शंकर का मन ज्ञान की खोज में आतुर था। आग्रह पूर्वक माता से अनुमति ले शंकर ज्ञान की खोज में ओमकारेश्वर पहुँचे। आचार्य गोविंद भगवतपाद से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। वहाँ से वे वाराणसी, प्रयाग और फिर हिमालय तक पहुँचे। बौद्ध, जैन, चार्वाक और अन्य संप्रदायों के आचार्यों से शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किए और अपनी वैचारिक श्रेष्ठता सिद्ध की। उनके प्रखर ज्ञान और अद्भुत तार्किकता से भारत की शास्त्रार्थ परंपरा को एक नई ऊंचाई मिली। अपने दार्शनिक कृतित्व के समय शंकर ज्ञान योगी हैं। भक्तिपूर्ण स्तोत्र साहित्य की रचना करते समय भक्ति योगी और सौंदर्य लहरी आदि की रचना के समय तंत्र योगी। एक कर्मठ कर्मयोगी की भांति इन्होंने भारत की भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत के चारों कोनों में चार मठों श्रृंगेरी, द्वारका, ज्योति और गोवर्धन पीठ की स्थापना की। साथ ही चार धाम अर्थात बद्री, केदार, गंगोत्री एवं यमुनोत्री के साथ साथ कांचीपुरम, पशुपतिनाथ, काश्मीर, तिब्बत आदि स्थानों में अनेकों तीर्थों का उद्धार करवाया। सनातन धर्म में पंचायतन पूजा यानी शिव, विष्णु, देवी, गणेश और सूर्य की उपासना पद्धतियां बनाई। ध्यान देने की बात है कि पराविद्या द्वारा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के प्रखर पुरोधा होते हुए भी अपराविद्या की सगुण उपासना को आचार्य ने उसी परम पथ की सीढ़ी माना। अमूर्त अद्वैत की भावना का मूर्त संकल्पन आचार्य शंकर ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता हेतु मठों की स्थापना और सनातन तीर्थों एवं अनुष्ठानों के पुनरुद्धार द्वारा सुनिश्चित किया। केवल 32 वर्ष की अल्पायु में शंकराचार्य ने अपनी इहलौकिक यात्रा संपन्न की और केदारनाथ से वे महाप्रयाण के लिए अनंत तत्व में विलीन हो गए। पर जगतगुरु आदि शंकराचार्य का एकात्म भारत का स्वप्न आज भी हमारे लिए अनंत प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है।